हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉकिंग सेंस स्पीक इजी। फ्रेंड्स, आज का जो क्लास है ये हम लोग पढ़ेंगे यूज टू के बारे में। ठीक है, यूज टू क्या होता है? ये एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी, और इसका यूज हमेशा पास्ट टेंस फॉर्म में ही हम लोग यूज करते हैं। इसको कभी भी हम प्रेजेंट टेंस फॉर्म में यूज नहीं करते, हमेशा पास्ट टेंस फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है, और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यूज टू का हम लोग रेगुलर अपने स्पीकिंग में भी इसको बहुत बार यूज करते हैं, तो इसको अच्छे से जान लेंगे हम किस कंडीशन में इसको हम यूज करते हैं, है ना, और कैसे जब हम अपने बोली में इसको कैसे यूज करें, ये सब चीज़ हम यहाँ आज हम सीखेंगे, है ना। तो पहला बात हम क्या बोले, ये एक मॉडल है। ठीक है, बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, जैसे कि विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, यूज टू, नीड, डेयर, ऑट टू, ये सब बहुत हैं, उसमें से यूज टू ये एक है, है ना। उसके बाद सेकेंड में क्या बोले हम कि इसको हमेशा पास्ट टेंस फॉर्म में ही यूज करते हैं, पास्ट टेंस फॉर्म में ही यूज करते हैं, है ना। तो ये दोनों चीज आपको याद रखना होगा। अभी हम लोग जानेंगे इसको किस कंडीशन में हम यूज करते हैं, है ना, किस स्थिति में इसको हम यूज करते हैं। तो पहला कंडीशन ये होगा कि कोई भी चीज को आप एक्सप्रेस करना चाहते हो, टू एक्सप्रेस समथिंग, टू एक्सप्रेस हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन इन द पास्ट। ठीक है, टू एक्सप्रेस हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन इन द पास्ट। पास्ट में कोई भी कार्य आपका कंटिन्यू चल रहा था, अभी नहीं, कंटिन्यू चल रहा था पास्ट में, है ना, तो उस स्थिति में हम यूज टू का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर लिखेंगे आई यूज्ड टू वर्क फॉर 2 hours इन द मॉर्निंग। देखो इसका मतलब क्या है, आई यूज टू वर्क फॉर 2 hours इन द मॉर्निंग, मतलब मैं 2 घंटा तक चलता था मॉर्निंग में, अभी नहीं, पहले। ठीक है, तो पास्ट में हो रहा था, अभी नहीं हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, आई यूज टू वर्क फॉर 2 hours इन द मॉर्निंग। ठीक है, और एक एग्जांपल हम लिख रहे हैं, वी यूज टू प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेला करते थे तभी, अभी नहीं, अभी बंद है। ठीक है, अतीत में ये काम चल रहा था, वी यूज टू प्ले क्रिकेट। तो ये जो आपका क्रिकेट खेलने का जो काम हुआ, ये आपका जो वॉकिंग का जो काम हुआ, ये सब पहले के समय में था, रेगुलर चल रहा था, या चलने का हैबिट था, तभी वो हैबिचुअल आपका था, लेकिन अभी नहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम उसको यूज करेंगे, जैसे ना, आई यूज टू वर्क फॉर 2 hours इन द मॉर्निंग, आई यूज टू वर्क मतलब मैं चला करता था। ठीक है, वी यूज टू प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेला करते थे। ठीक है, तो ये एक हो गया कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन है टू एक्सप्रेस ए स्टेट ऑफ ए पर्सन और थिंग इन द पास्ट। ठीक है, टू एक्सप्रेस ए स्टेट ऑफ ए पर्सन और थिंग इन द पास्ट, मतलब किसी भी इंसान का हो या कोई भी वस्तु का क्या अवस्था था पास्ट में, इन द पास्ट, वो चीज को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज टू यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, सी यूज टू लिव इन मुंबई, वो मुंबई में रहा करते थे। ठीक है, सी यूज टू लिव इन मुंबई, अतीत में, अभी नहीं, मुंबई में वो रहा करते थे, पहले रहा करते थे, अभी, है ना। और एक तो जैसे लिख रहे हैं, दे आर यूज्ड टू बी ए टेम्पल
हियर, देर यूज टू बी ए टेम्पल हियर, मतलब यहाँ एक मंदिर हुआ करता था, अभी नहीं है, ठीक है। तो ये जो स्थान जो है यहाँ, इसका अवस्था क्या था पहले ना, एक मंदिर हुआ करता था लेकिन अभी नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ हो गया आपको। पहले हम बोले कि किसी चीज़ जो हैबिचुएटेड था या रेगुलर हुआ करता था अतीत में, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज टू यूज करते हैं। और सेकंड आपका कंडीशन क्या है ना, टू एक्सप्रेस ए स्टेट ऑफ ए पर्सन, कोई वस्तु इंसान हो या कोई वस्तु, उसका पास्ट में क्या अवस्था था उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज टू इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे कि इसी यूज टू लिव इन मुंबई, देर यूज टू बी ए टेम्पल हियर, यहाँ एक मंदिर हुआ करता था, ठीक है। ये दोनों चीज पहला है। उसके बाद थर्ड कंडीशन क्या है, जिसको हम लोग बहुत बार यूज भी करते हैं अपने स्पीच, अपने कम्युनिकेशन में हम बहुत बार यूज करते हैं, है ना। ये जब किसी चीज में आप अगर आदि हो गए, अभ्यस्त, ठीक है, हैबिचुएटेड, कोई भी इंसान किसी चीज में हैबिचुएटेड है, अभ्यस्त है, आदि हो गया है, उसको हम एक जब हम बोलते हैं तब यूज टू यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो हम लिखेंगे, ही यूज टू स्मोकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखो ध्यान से, ही यूज टू स्मोक, मतलब स्मोकिंग का आदि हो गया है, ही यूज टू स्मोकिंग, स्मोकिंग का आदि है, ठीक है। और क्या होता है, कभी कभी हम कहते हैं आई यूज टू दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, हम बोलते हैं ना आई यूज टू दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, मतलब ये जो प्रकार का जो सिचुएशन अभी चल रहा है मेरे साथ, उस सिचुएशन से मैं यूज टू हो गया, मतलब मैं अभ्यस्त हो गया, आदि हो गया, ठीक है। तब हम बोलेंगे आई यूज टू दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। मान लो कोई आप जगह में हो, बहुत धूल मैल होगा, ठीक है, धुआं धूल ये सब होगा, तो हम लिखेंगे आई यूज टू डस्ट, ठीक है, मतलब धूल से अभ्यस्त हो गया, धूल इतना है वातावरण में, जिस वातावरण में आप रहते हो, जिस जगह में आप रहते हो, उसका जो वातावरण है बहुत धूल वाला वातावरण है, ठीक है। तो हम कहते हैं ना कि हाँ ठीक है, मैं चला लेता हूँ यहाँ, मतलब रहने लायक हो गया, आई यूज टू दिस काइंड ऑफ प्लेस, और आई यूज टू दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, और आई यूज टू डस्ट, मतलब हाँ धूल से मैं अभ्यस्त हो गया हूँ, मुझे और कुछ अभी होता नहीं, पहले हुआ करता था कुछ एलर्जी वगैरह हुआ करता था, लेकिन अभी नहीं हो रहा है, मैं यूज टू हो गया हूँ डस्ट से, धूल से, ठीक है। आई यूज टू स्मोक, धुआं से मैं अभ्यस्त हो गया हूँ ऐसे, ठीक है। तो किसी चीज़ में आप हैबिचुएटेड हो गए हो और उसको जब एक्सप्लेन करते हो तब आप यूज टू का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तो ये तीनों मेन चीज़ होता है। और इसका अभी हम पढ़ेंगे जो नेगेटिव कैसे यूज करते हैं, नेगेटिव में हम यूज टू को कैसे यूज करते हैं और उसको क्वेश्चन में भी कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तब यूज टू का टोटल क्लास खत्म हो जाएगा, है ना। नेगेटिव में हम कैसे यूज करेंगे, जैसे कि हम बोले सी यूज टू प्ले क्रिकेट, सी यूज टू प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेला करते थे, अभी नहीं कर रही है, ठीक है, इसको हम नेगेटिव करेंगे। सी डिड नॉट यूज टू हो जाएगा, सॉरी सी डिड नॉट यूज टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। पास्ट में ही होगा, पास्ट वाला से प्रेजेंट का तो होता नहीं है यूज टू, तो पास्ट का सी यूज टू प्ले क्रिकेट, तो उसको नेगेटिव करेंगे, सी डिड नॉट यूज टू प्ले क्रिकेट, है ना। और क्वेश्चन कैसे करेंगे, अगर हम ये नेगेटिव हो गया, अगर हम क्वेश्चन करना चाहेंगे कैसे करेंगे, डिड सी यूज टू प्ले क्रिकेट, डिड सी यूज टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। और यहाँ क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन, डिड का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, है ना। और एक तो लास्ट रहेगी आपका क्वेश्चन टैग में हम कैसे यूज करते हैं, क्वेश्चन टैग, है ना। जैसे कि हम लिखे ये वाला सी यूज टू प्ले क्रिकेट, इसी को क्वेश्चन क्वेश्चन टैग क्या होता है, लास्ट में क्वेश्चन हम ऐड करते हैं, टैग करते हैं, ठीक है, उसी को क्वेश्चन टैग करते हैं।
तो क्वेश्चन टैग में कैसे होगा, जैसे कि ये वाला लिखे सी यूज टू प्ले क्रिकेट, तो यहाँ हम लिखेंगे क्वेश्चन होगा डिड सी, सी यूज टू प्ले क्रिकेट, डिड सी, ठीक है। तो हम वही डिड को ही यूज करेंगे, हम नहीं लिखेंगे यूज सी, ऐसे नहीं लिखे, डिड सी लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन टैग, है ना। तो इतना था आपका यूज टू का, जो यूजेस उसको किस कंडीशन में हम यूज करेंगे, है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, जो कि हम लोग रेगुलर लाइफ में हम अपने बातों में इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से देखो, अच्छे से फिर से सीखो, खुद ही प्रैक्टिस करो, है ना, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए पर्सन परफेक्ट, ठीक है। सो आज की क्लास में इतना था, नेक्स्ट क्लास आएंगे और एक चैप्टर के साथ। सो थैंक यू, बाय बाय।